गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज चुके हैं गाइस, और अब भी जस्ट मैं उठी हूँ क्योंकि गाइस आज जो है मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड से मिलने चले गए और बहुत टाइम बाद। वो लोग जशपुर में रहते हैं, पहले हम लोग के साथ रहते थे तो एक साथ हम लोग काम वगैरह करते थे, तो वो लोग अभी आए हुए हैं रायपुर में, तो उनसे मिलने के लिए गए वो दोपहर में 12 बजे के करीब। उन्होंने बोला था कि खाना वाना खा लेना, तो मैं मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, 3 बज जाएगा, लेकिन खाना वाना खाए उसके बाद थोड़ा सा बैठी मैं, फिर उसके बाद ना मोबाइल देखते देखते पता नहीं कब नींद लग गया और कब मैं सो गई, मुझे समझ में नहीं आया मैं सो गई। और अभी 5 बज चुके हैं, अभी तक वो आया नहीं है, और आज जो है मंडे है। सो गाइस, आज मुझे सब्जी उब्जी लेने के लिए भी जाना है, अब वो कब आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो नहीं आया तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फ्रूट्स भी लेके आऊँगी अपने लिए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई फ्रूट्स नहीं है। क्योंकि जब आपको भी पता होगा आप लोगों को कि इसमें भूख लगता रहता है थोड़ा बहुत, और हर टाइम हम लोग चावल वगैरह दाल वगैरह रोटी वगैरह नहीं खा सकते, या चाय वगैरह मैं अवॉइड कर रही हूँ कि मैं जितना कम पीऊँ उतना ही अच्छा है मेरे लिए। सो गाइस, कुछ फ्रूट्स रहे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आज ही सुबह मैं सब नारियल पानी वगैरह केला वगैरह था ख़त्म कर दी, और ज़्यादा दिन केला वगैरह को हम रख नहीं सकते, फ्रिज में मैंने रखती हूँ, ठंडा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, तो ना सब ख़त्म हो गया। तभी मुझे मार्केट जाना ही पड़ेगा, वैसे भी आज मार्केट का डे है क्योंकि मंडे को यहाँ पे मार्केट लगता है। सो गाइस, अभी मैं सोच रही हूँ कि रेडी हो जाती हूँ, बर्तन वर्तन मैंने साफ़ कर दिया है, देख सकते हैं। अभी खाना भी नहीं बनाना होगा क्योंकि वो खाना खाने खाया ही नहीं है, तो अभी छोटा मोटा और कुछ सब्जी बना लूँगी जैसे कुछ लेके आई तो। और वैसे भी गाइस, मसाला तेल वगैरह खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, कुछ भी सादा सिंपल सा दे दो, भाजी वाजी ये सारी चीज़ें खाने का इच्छा होता है बस मेरे को, क्योंकि मसाला वसाला ना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है अभी के डेट में मुझे। तो गाइस, ऐसी भाजी वाजी कुछ कुछ लेके आऊँगी जो मेरी पसंद है, वो दाल वगैरह जो एकदम सिंपल हो खाने में, जो मुझे ऑयली ना लगे, जो मिर्ची ना लगे, एकदम सिंपल सा खाना भी मुझे खाने का मन कर रहा है। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ बाहर का माहौल कैसा है, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। क्योंकि गाइस, हम लोग की जो मार्केट लगता है ना, वहाँ पे गाय भी बहुत सारे आते हैं, गाय वगैरह बैल वगैरह आता है। अब वही पिछली बार चुप्पी का एक्सीडेंट हो गया था बैल की वजह से ही, तो ना मुझे बड़ा डर लगता है अभी बाहर निकलने में। उस दिन मैं गई थी मार्केट तो ऐसे ही एक बैल आ गया था मेरे पास, लेकिन रुचिका की मम्मी थी तो वो बेचारी की वजह से मैं बच गई, नहीं तो उस दिन में मैं भी गई होती, तो मुझे ना डर लगता है जाने में। सो गाइस, यहाँ के पार्षद लोग भी कुछ करते नहीं हैं। सो गाइस, अभी मैं जाती हूँ, आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। मौसम अभी तो चुप्पी भी नहीं है शायद घर पे। सो गाइस, देखो इसका घर पे ताला लगा है, रुचिका के घर ही गई होगी वो भी। और ये है मेरा घर का बालकनी, आप लोगों को दिखा देती हूँ बाहर, ये देखो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने में थोड़ी देर। यहाँ पे हम लोग का सामान पड़ा रहता है, ऐसे कितना सारा सामान है, कहाँ रखोगे, इसलिए आप लोगों को मैं। सो गाइस, अभी अंधेरा हुआ नहीं है, पर क्या बोलते हैं, सूरज तो डूब चुका है, सनसेट हो चुका है, और इधर ये सब कुछ ऐसे गाय ना वहाँ पे बहुत रहते हैं, इसलिए मुझे डर लगता है, पर मैं जाऊँगी क्योंकि उसको कितना टाइम लगेगा मुझे पता नहीं, पर जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उसको कितना टाइम लगेगा, तो मुझे जाना ही होगा लेने के लिए, तो थोड़ी देर बाद मैं निकलूँगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। गाइस, आ गई मैं अपने मार्केट से सब्जी उब्जी लेकर, खाना भी बना ली हूँ, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं यहाँ पर, और किट्टू है यहाँ पर सोया हुआ है, ये देखो आज यहीं पर सो गया किट्टू, आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेड से गिर गया गाइस, उसको थोड़ा सा सर पे यहाँ पर लगा है, बहुत रो रहा था, पर उसको चॉकलेट वगैरह दे के उसको चुप कराए हैं, फिर उसके डैडा उसको पकड़े थे और फिर वो सो गया, तो उसकी मम्मी के पास जाके छोड़ूंगी अभी मैं, और अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। सो गाइस, हम लोग ब्लॉग में बने रहिए। सो खाना खा के अभी मैं पी रही हूँ दूध, तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।